हे गाइस, कहते हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डज अ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन डू। एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या करता है, ठीक है ना। एक अच्छे सेल्स पर्सन को प्रोफेशनल क्यों बोलेंगे, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज वो करता है जिसके कारण से हम उसे प्रोफेशनल बोल सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आने वाले समय में मैं और भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड करूंगा, साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप नोट्स हमसे ले सकते हैं। और उसके थ्रू प्लस हम जो वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, इन दोनों के थ्रू अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आराम से 60-70% आराम से आ सकते हैं। मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो द सेल्स पर्सन्स टास्क एंड असाइनमेंट्स कैन वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट ही इज सेलिंग, है ना। तो एक सेल्स पर्सन का टास्क और असाइनमेंट वो वेरी कर सकता है फ्रॉम जॉब टू जॉब। एक जॉब में हो सकता है उसका डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो और दूसरे जॉब में उसका डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो, तो ये वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज के लिए पाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो गई, जो भी वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी जॉब्स एंड टास्क या फिर असाइनमेंट्स उसको दी जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, टास्क ऑफ सेल्स पर्सन सेलिंग एमवे प्रोडक्ट्स थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग आर सिमिलर बट समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टास्क ऑफ अ सेल्स पर्सन सेलिंग ऑटोमोबाइल फॉर मारुति सुजुकी, है ना। तो एमवे का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए जो टास्क दिए जाते हैं सेल्स पर्सन को, जो कहा जाता है कि तुम इस तरीके से इसको सेल करोगे, तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वहां पे इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर मैं सेम बात करूं सेल्स उसी किसी और सेल्स पर्सन की, जो कि सपोज किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जैसे कि मारुति सुजुकी में वो काम कर रहा है, तो उसके काम करने का तरीका या उसको जो टास्क असाइन किए जाएंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। So people believe that the job of a salesperson varies from presenting and demonstrating to closing the deal and follow up, है ना? तो लोगों को ये लगता है और ये होता भी है कि जो salesperson का काम है वो vary करता है from presenting से लेकर के demonstration जो आप देते हो, वो बहुत हद तक vary करता है और बहुत हद तक वो चीजें similar भी होती हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको करनी होती हैं। Amway को भी अपने product को show करना होगा, यहाँ पे भी आपको show करना होगा, यहाँ पे भी आपको demonstration देना है, यहाँ पे भी आपको देना है, यहाँ पे भी आपको deal close करने की कोशिश करनी है, यहाँ पे भी आपको deal close करने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। However, in today's marketplace, there is much more to his credit. As a manager of territory, the salesperson has the responsibility too. तो salesperson के पास कौन-कौन सी responsibility होती है या फिर क्या-क्या वो करता है जिसके कारण से उसे एक professional salesman हम बोलेंगे, वो मैं भी आपको एक-एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। उससे पहले मैं एक बार points को दाग लगा लेता हूँ, सबसे I mean highlight कर लेता हूँ। पहला है create new customers, दूसरा है sell more to present customers, build long-term relationship with customer, provide solutions to customer's problem, provide services to customers, helps customers resell products to their customers, help customers use their products after purchase, build goodwill with customers, provide company with market information. तो ये कुछ 9 points हैं जो कि आपको examination में लिखने होंगे, और ये 9 points बहुत ज़्यादा important हैं, और अगर आप इनको examination में लिख करके आते हो तो definitely आपको अच्छे marks मिल जाएंगे, ठीक है। एक मिनट जरा सा। ठीक है देन, तो चलिए फिर पॉइंट्स को अभी एक-एक करके कर लेते हैं। सबसे पहला है क्रिएट न्यू कस्टमर्स, है ना। तो एक सेल्स पर्सन का जो मेन टास्क होता है वो ये होता है कि वो नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करे, जो भी पोटेंशियल कस्टमर है वो उसको एक अच्छे कस्टमर में वो उसको क्रिएट करे। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टास्क ऑफ द सेल पर्सन इज टू कीप इंक्रीजिंग द सेल्स एंड रिप्लेसिंग द कस्टमर्स दैट विल बी लॉस्ट ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ जो है चीजें लैप्स होती जाती हैं, समय के साथ साथ चीजें जो है लॉस्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर मारुति सुजुकी आज खरीदी है तो वो अगले 10 सालों तक आपके पास नहीं आने वाला उसको खरीदने के लिए दोबारा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तो चूंकि वो बंदा दोबारा नहीं आएगा तो फिर आपको नए कस्टमर की भी आवश्यकता है, तो नए नए कस्टमर आप यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ योर सेल्स पर्सन स्किल्स, है ना। तो चीजें चूंकि टाइम के साथ लॉस्ट हो जाती हैं, तो फिर आपको यहाँ पे रिप्लेस करना होता है नए नए कस्टमर्स के साथ, नए नए कस्टमर्स को आपको लाना होता है। दिस रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस, अच्छा इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ यार, ठीक है ना। सो दिस रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग विच मीन्स आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर्स, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, जहाँ पे ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि
पोटेंशियल कस्टमर्स आपके कौन हो सकते हैं। दस इन अ वे इट मे बी सेड दैट द प्रोस्पेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स। तो ये बात कही जा सकती है कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरीके से सेल्स का। द सेल्स पर्सन रिक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई देयर जजमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव द पोटेंशियल टू बाय देयर प्रोडक्ट, है ना। तो आपको एक तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप पिच करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, है ना। और उनको आप अपना एक पोटेंशियल यू नो बायर आप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू हैव जो कि आप उनके साथ शेयर करते हो, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। दूसरा है सेल मोर टू प्रेजेंट कस्टमर। आप ये भी कोशिश करते हो कि जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं आप उनको और भी ज्यादा सेल कर सको, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, जैसे जैसे मार्केट शेयर आपका बढ़ता है द कंपनी नॉट ओनली ओनली नीड्स टू क्रिएट मोर कस्टमर्स बट ऑल्सो टू सेल मोर ओकेजनली एंड इन मोर क्वांटिटी टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, है ना। तो एक तरीके से मार्केट शेयर उनको इंक्रीज करना ही है, साथ ही साथ कंपनी इस बात पे भी ध्यान देती है कि किस तरीके से वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और ज्यादा सेल कर सके। वो प्रोडक्ट अगर बहुत महंगा होगा, लग्जरियस प्रोडक्ट होगा, तो वो लोग बार बार तो नहीं खरीदेंगे, बट जो छोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं जिनको जो डेली यूज के जो FMCG के प्रोडक्ट, जैसे कि एमवे की बात मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो एमवे के प्रोडक्ट आप दोबारा से सेल कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है बाय द डिफरेंट कंपनीज। रिसर्च सेज दैट क्रिएटिंग न्यू कस्टमर इज फार कॉस्टलियर देन सेटिस्फाइंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो रिसर्च में ये कहा गया है कि नए कस्टमर्स को बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है, नए कस्टमर को बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है with comparison to satisfying the existing customer. अगर आप existing customer को ही satisfy कर पाते हो तो आपको नए customer को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आवश्यकता तो पड़ेगी, पर नए customer को बनाने के जो आपको खर्च करना पड़ता है marketing के ऊपर या अलग अलग चीजों के ऊपर, वो खर्च आपको एक existing customer को satisfy करने के पीछे नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो satisfied होगा तो वो दोबारा आपके पास आएगा उस सामान को खरीदने के लिए, समझ रहे हो बात। Thus, building up loyalty of customers towards own product services becomes very important for the salesperson. तो एक तरीके से जो loyalty है उसको build करना salesperson के बीच में बहुत ज़्यादा important हो जाता है, ताकि वो जो है दोबारा आपके पास आए। ठीक है, third point है build long term relationship with customers, है ना। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करना अपने कस्टमर्स के साथ, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है हो जाती है। रिसर्च सेज दैट सेलिंग टू अ न्यू कस्टमर इज मच कॉस्टलियर देन सेलिंग टू एग्जिस्टिंग वन, है ना। जैसा कि मैंने आपको कहा, वही बात यहाँ पे बोली गई है पहले लाइन में, दैट सेटिस्फाइंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर बिकम ऑल द मोर एसेंशियल। तो जो नया कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर सेल सर्विस एंड रेगुलर कम्युनिकेशन विद them is necessary to build long-term relations with the customers in order to sell them again and again, है ना। तो after sale service उनको देना बहुत ज़्यादा important है। अगर आप चाहते हो कि आपके customer आपके पास बने रहें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो needs हैं, उनकी जो requirements हैं, उनको आप fulfill करो, आप उनको satisfy करो, ताकि वो आपके साथ बने रहें, right? तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आपके साथ बने रहेंगे तो आप अपने products को उनको दोबारा भी बेच पाओगे, right? तो ये benefit आपको यहाँ पे मिलता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स प्रॉब्लम। जो भी कस्टमर का प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस अगर आप उसको प्रोवाइड कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा और दोबारा से आपके पास से उस सामान को खरीदेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेटेंट और अपेरेंट पीपल हैव नीड्स विच कैन बी मेट, दे हैव प्रॉब्लम्स और इश्यूज विच कैन बी सॉल्व्ड बाय परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है और वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को खरीद करके अपने यू नो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद करके अपने नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप जब उनके नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो वो आपके पास दोबारा से आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो वैल्यू ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज वेयर सेल्स पर्सन अनदर रोल कम्स इन। दे लुक फॉर एग्जिस्टिंग और लेटेंट नीड्स और प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कस्टमर्स एंड शो हाउ द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन सेटिस्फाई नीड्स और सॉल्व प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पे वो लोग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनके एक तरीके से उनको उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने की बात की जा रही है। अगर आप उनको ठीक तरीके से सेटिस्फाई कर पाओगे, उनके प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई कर पाओगे, तो डेफिनेटली वो आपके पास से वापस आएंगी एंड यू विल बी एबल टू सेल योर प्रॉब्लम्स, है ना, सेल योर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको, राइट। ओके देन,
प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर्स, यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। आफ्टर सेलिंग द सेल्स पीपल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज टू द कस्टमर्स लाइक ग्रीवेंस रिड्रेसल, रिटर्निंग डैमेज प्रोडक्ट्स, गिविंग फ्री सैंपल्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर, सजेस्टिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड सजेस्टिंग प्रमोशन प्रोग्राम टू हेल्प द कस्टमर्स टू प्रमोट द फर्म्स प्रोडक्ट, है ना। सो आफ्टर सेलिंग जो सर्विसेज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एज ए सेल्स पर्सन कोशिश करते हो कि कस्टमर आपके पास से दूर ना जाए, तो आप उनको अच्छी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कस्टमर को सर्विसेज अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, उनके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करना, है ना, एड्रेस करना, उनके डैमेज अगर उनके प्रोडक्ट्स डैमेज हैं तो उनको रिटर्न करना, उनको फ्री सैंपल्स देना, ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए से आप अच्छी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो अपने कस्टमर्स को, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है हेल्प कस्टमर्स रीसेल प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स, है ना। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो जो चीजें आप सेल कर रहे हो वो चीजें जो है कस्टमर वापस से रीसेल करना चाहता है किसी और व्यक्ति को, तो उस केस में भी आप उनकी हेल्प करते हो। तो ये भी एक काइंड ऑफ हेल्प है, ये भी एक काइंड ऑफ स्किल है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, और ये भी एक काइंड ऑफ अच्छा एक क्वालिटी होती है एक सेल्स पर्सन की। सो दैट्स वॉट आर सेल्स पर्सन डू, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप प्रोसेस को कर लेना, और कुछ और पॉइंट्स हैं इनको भी मैं फटाफट कंप्लीट कर लेता हूं ताकि ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सातवां नंबर पॉइंट है हेल्प कस्टमर्स यूज प्रोडक्ट्स आफ्टर परचेज, है ना। तो परचेज करने के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जो लोग हैं वो उस चीज को यूज नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है कि किस तरीके से इस चीज को यूज करना है, राइट। तो आप हेल्प करते हो उन कस्टमर्स को कि वो उन प्रोडक्ट्स को जो उसने परचेज करे हैं वो उसको यूज करे, है ना। दिस इज स्पेशली इन द केस ऑफ सेल्स ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट्स। अब ये जनरली तब होता है जब आप टेक्निकल प्रोडक्ट सेल करते हो, क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट्स चलाने में इतने आसान नहीं होते हैं, है ना। कुछ कुछ वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं जिसके कारण से उनको जो है चलाने में दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि ठीक है आप इस काम को ऐसे करोगे, उस काम को ऐसे करोगे। तो ये चीजें जो भी हैं जो कि एक प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कस्टमर को। एक कस्टमर जब तक आपके शॉप से आपको थैंक यू बोल करके बाहर ना निकले, तब तक उसके हर एक क्वेरी का जवाब देना, हर एक प्रॉब्लम में उसका हेल्प करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आफ्टर सेल सर्विस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार आपको उनके घर आकर के भी उनको सारी चीजें बतानी होती हैं, राइट। सो मेनी टाइम्स द कस्टमर्स नीड्स टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको ये डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट का फुल बेनिफिट उठा सकते हैं। So for example, on the sale of new software to an organization, the technical specialists need to provide lectures, classes to the employees of the organization to show them how to run and use the software effectively. So suppose कोई software की company है, है ना, तो software चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। Software में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि normal लोगों को पता नहीं होती है। तो लोगों को एक तरीके से educate करना कि इसको इस तरीके से चलाना है या इस तरीके से इसको काम करना है, तो ये चीज जो है यहाँ पे आपको समझाना होता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है कि वो अपने इम्प्लॉइज को ऑलरेडी बता करके रखती है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया कि किसी कस्टमर को आपको बताने की आवश्यकता पड़ी तो आप उसको इस तरीके से बताओगे, तो उनको भी एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेल्प कस्टमर्स यूज प्रोडक्ट आफ्टर परचेज, तो ये भी एक पॉइंट है। आठवां पॉइंट है बिल्ड गुडविल विद कस्टमर। अगर आपका सर्विसेस अच्छा रहेगा, अगर आप ठीक तरीके से उनसे बात करोगे, अगर आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपका जो है गुडविल क्रिएट होगा कस्टमर्स के साथ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया, आप थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, मैं तो और रीड नहीं कर रहा हूँ। प्रोवाइड कंपनी विद मार्केट इन्फॉर्मेशन। कंपनी, अब जब आप अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपके पास कस्टमर ज्यादा होते हैं, और कस्टमर ज्यादा होते हैं तो उनका क्या डिमांड है, क्या उनको चाहिए, उनका क्या फीडबैक है, ये सारी चीजें जो है आप अपने कंपनी को प्रोवाइड करते हो ताकि कंपनी उसके बेसिस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस एंड डिसीजंस, जो भी उनको स्ट्रेटेजी में बदलाव करना है वो सारी की सारी चीजें वो कर सके। तो कंपनी चूंकि और बेहतर कर पाती है इस कारण से अपने कस्टमर्स के लिए, तो कंपनी और भी बेहतर होती जाती है क्योंकि लोग उनके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये 9 पॉइंट्स थे जो कि इस टॉपिक में थे। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।